फिर अपन दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं SSC RRB NTPC और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम रहने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आप सामने है, देखिए 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, अपने जो विक्रय मूल्य दे रखा इसको अपन क्रय बना लें और जो क्रय दे रखा उसको विक्रय बना लें। तो अब आपका क्या हो गया, जो विक्रय हो गया मतलब एक क्रय हो गया, यानी कि CP आपका CP कितना हो गया, CP हो गया 15, कितना हो गया 15। और जो सेलिंग प्राइस है आपकी SP की अगर बात करें अपन, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 21 हो गया आपका, कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब आपने कोई वस्तु 15 में खरीदी और 21 में बेच ली, ठीक है, तो आपको कितने रुपये प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का। ठीक, अब इसके बेटा क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा 15, ठीक, इनटू यहाँ पे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, और 2 से काटेंगे, 2 3 6 नहीं 3 2 नहीं 6 और 3 5 15, और 5 से काटेंगे तो 5 2 नहीं 10, मतलब 20 आ गया, कितना आ गया 20, और 20 2 नहीं 40, 20 दुनी 40, मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो विक्रय मूल्य है इसको क्रय बना लो और क्रय को विक्रय बना लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो कुछ नहीं करना, आपको जो विक्रय है इसको क्रय बना लो और क्रय वाले को विक्रय बना लो। ठीक, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इस तरह एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये इसमें CP क्या हो गई, देखो ये तो CP हो गई, CP 20 में 20 हो गया है ना, और 20 CP हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसमें 16 हो गया, तो 20 में से 16 गए तो कितने बचे 4, यानी कि 4/20 आ जाएगा 20 इंटू आपका यहाँ 100 हो जाएगा, ये तो 20 से काटा 20 बन जो 100, कितना आ गया 5, और ये 100 कट गया तो 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 20% आपको प्रॉफिट हो गया। 20 में खरीदा, सॉरी 20 में खरीदा और 16 में बेचा, तो 20% की हानि हो गई, 20% की इसमें क्या हो गया आपको हानि हो गई। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, देखिए अब तीसरा प्रश्न कैसे अपन सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए तीसरा प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कह रहा है कि देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग कितना है 9 है, और अंक उलटने पर 27 कम हो जाते हैं, और दो संख्याओं का योग 9 है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो 5, 4 और 5 दे रखा, ये संख्या पहले भी इसका भी योग 9 आ रहा, यहाँ पे दूसरे संख्या देखिएगा 6, 3 का भी योग 9 आ रहा, और 1 और 8 को देखिएगा इसका भी योग 9 आ रहा, और 36 को देखिएगा इसका योग भी कितना आ रहा 9 आ रहा है, यानी कि सभी में योग 9 है। तो अब यहाँ से तो आपको कोई पता नहीं लग रहा है, फिर कह रहा अंक उलटने पर 27 कम हो जाती है, अब इसका अंक उलटेंगे तो क्या होगा 5 पे 4 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 54 और 55 45 कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, यानी कि 27 नहीं हो रहा है। इसी तरह 63 में देखेंगे तो 36 हो जाएगा, मतलब और कम हो रहा है। 18 में देखेंगे 81, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 36 में देखते हैं तो देखो 36 से कितना हो जाएगा 63, ये 63 है ना। अब इसमें से अगर 36 माइनस करेंगे, ये अगर 36 माइनस करते हैं तो 13 में 6 गए तो
सात बचे और पांच में से तीन गए तो दो बचे, यानी कि 27। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, कि दो संख्याओं का योग अगर नौ है, अंकों का योग अगर नौ है तो तीन और छः नौ हो रहा है, अंक उलटने पर 27 कम हो जाती है, ये कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, गुना हो जाता है, कुछ भी इसको ऑप्शन बदलते रहते हैं। तो जैसा भी वो प्रश्न बताए वैसे आप लोगों को डालना है और ऑप्शन से उत्तर बड़ी जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक भिन्न के अंश, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा प्रश्न, अंश को 25% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% कम कर दिया जाए तो भिन्न क्या होगी? 5/8 हो जाएगी, 5/8 भिन्न हो जाती है, तो मूल्य भिन्न क्या होगी? है ना, देखिए तो अंश आपको 25% बढ़ाना है और हर को 20% कम करना है, यानी कि मूल्य भिन्न क्या है दोस्तों? अपने मूल्य भिन्न को देखो, 5/8। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जो इधर गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी, और भाग वाली संख्या गुणा में चल जाएगी। गुणा वाली संख्या के अंश, अंश में 125 है तो 125 यहाँ पे 100, ये गुणा निशान लग के 125 यहाँ पे हो जाएगा, ये 125। और जो हर में ये संख्या है ये ऊपर से अंश में चल जाएगी ये, और 20% कम होगा, मतलब 20% कम होगा तो कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा, कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। अब इसको काट दो तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा, कितना? 25 बन जाएगा 125, और 8 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ये, और 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 2/5। तो 2/5 अपना ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। कुछ नहीं करना, इसका अंश, इसके अंश वाले को हर में ले आओ और हर वाले को अंश में ले जाओ, कुछ नहीं करना, बस इसका जो अंश है ना 25% बढ़ रहा है तो इसके हर में ले आओ और हर है उसको अंश में ले जाओ, बस कुछ नहीं करना। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए पांचवा क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए इसका, पांचवा क्वेश्चन का देखिए, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 50 को अपन सीपी मान लेंगे और 60 को सेलिंग प्राइस मानेंगे, तो 50 से अगर 60 बनता है तो कितने प्रॉफिट हो रहा? 10 रुपीज़ का हो रहा, ठीक, और 10 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा? 50 पे हो रहा। गुणा आपको 100 आ जाएगा, ठीक। तो अब अपनों को यह सीपर से सीपर कट गई, 5 से काटा, 5 × 2 = 10, 20%, और 50 से 60 हुए तो क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% का उसको लाभ हो गया, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, 20% का उसको लाभ हो गया, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, देखिए किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 दिया इसने, तो अब मूलधन ज्ञात करना, तो जब 2 वर्ष का फार्मूला दे तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो इसमें 2 वर्ष के लिए फार्मूला लगेगा, अगर 3 वर्ष का करो तो 300+R हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डी बराबर 150 है तो अपना 150 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये बराबर आ गया, और ये पी तो अपनों को निकालना है,
गुणित 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ ये 100 ये 100, तो इस 100 से ये 100 कट गया है ना, तो पी का फार्मूला निकालते इसको गुणा हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो, 2 सिपर ने 1 सिपर लग जाएगी, मतलब 15 के आगे 3 सिपर हो जाएगी, मतलब 15,000। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अब इसी तरह अगला छठा प्रश्न है, देखिए छठा प्रश्न क्या कहा कि 36 36 का विक्रय मूल्य और 45 के क्रय मूल्य के बराबर है, जो विक्रय इसको क्रय बनाएंगे और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे, तो ये जी कोई वस्तु 36 अपना क्या होगा क्रय हो गया, 36 में खरीदा और 45 में बेचा, ठीक है ना, 45 विक्रय हो गया, तो इसमें क्या होगा कि 36 से 45 तो आपको 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लाभ कितने रुपये हो गया 9 रुपये हो गए, और कितने पे हुआ 36 पे, ठीक है, गुणित यहाँ आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 9 से काटा 9 चौके 36 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ठीक है, तो अपना 25% का इसको लाभ हो गया, 25% का अपनों को लाभ हो गया, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, अब अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 विक्रय इसको क्रय बनाएंगे, तो 60 क्रय से 45 पे चले गए अपन, 60 में खरीदा और 45 पे चले गए, तो 60 से 45 यानी कि आपको 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, 15 बटा में क्या आएगा आपका 60 आ जाएगा, यहाँ तो 100 ही सही, तो 15 से काटा 15 चौके 60 और 4 से अगर 100 काटेंगे तो कितना होगा 25 आ जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, तो 25 अपना सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 14, 21, 28, 35 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचे। अब दोस्तों 8 शेष बचे का मतलब क्या होगा, अपनों क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों एलसीएम किस तरीके से अपन निकालते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से होते हैं, देखो यहाँ पे इसका 7 आएगा, 7 × क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 होगा है ना, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा, तो एक तो अपने पास 7 आ गया, ठीक है, अब 2 से काटेंगे, एक और 2 से लगाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 और 5 बचेगा अपना, यहाँ 3 बचेगा, तो 7 × कितना होगा 14, 14 × 42 और 42 पे 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 420 हो जाएगा, और ये कह रहा है 8 शेष बचे, तो 20 में 8 जोड़ें 428 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 6, 11 और 16 शेष बचे। अब दोस्तों देखो 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा
14, ठीक है। 30 में से 16 घटाएं तो कितने बचेगा, 14। जो 14 शेष बच रहा है ये अपन इनके एलसीएम में से घटा देंगे, इन संख्याओं के एलसीएम में से घटा देंगे। तो देखिए 20 25 30 का एलसीएम अगर निकालना अपनों को, ये डंडा मैंने यहाँ पे खींच दिया है, ठीक है, ये वाला। अगर अपन ये वाला 5 से लगाते हैं तो 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छम अब 2 से लगाया तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे ऐसे आ गया, 2 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 दूनी कितना होगा 10, 10 10 दूनी 20 और 20 से 5 100, 100 3 300, यानी कि कहने का मतलब कितना होगा, तीन सौ है। अब ये इसमें जो घटाने पे जो संख्या शेष बचती है, जो 14 बच रहा था वो 14 इसमें से माइनस कर दो, तो 300 में 14 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 286। तो 286 डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।